Hello, everybody. I am Dr. Saluni Nandan. Today, I am going to tell you how to write a job application letter or cover letter with your resume. Please watch the video till the end to know the format of the job application letter, and this video has some samples also of job application letter. Job application letter is a document. That should be submitted by the candidate along with the resume to an employer to express interest in the position while applying for jobs. It is also known as a cover letter and is attached with the resume. The resume explains the candidate's qualification, history of work experience and accomplishments, while job application letter provides the applicant's skills and key qualifications. जॉब एप्लीकेशन लेटर एक दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट है जो उम्मीदवार को नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी पद में रुचि व्यक्त करने के लिए नियोक्ता या हायरिंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाता है इसे कवर लेटर भी कहते हैं रेज्यूमे उम्मीदवार की योग्यता कार्य अनुभव का इतिहास और उपलब्धियों की व्याख्या करता है नौकरी आवेदन पत्र आवेदक के कौशल और महत्वपूर्ण योगदान को प्रदान करता है नाउ लेट अस लुक एट द टिप्स फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव जॉब एप्लीकेशन लेटर इट शुड बी रिटर्न लाइक अ फॉर्मल बिजनेस लेटर इट मस्ट इंक्लूड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट डिटेल्स एट द टॉप मेक श्योर टू अ अल्यूटेशन एट द स्टार्ट एंड योर सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन एम्फेसाइज योर स्किल्स एंड एबिलिटीज to express yourself as a suitable candidate for the available position an application letter is your opportunity to sell yourself as an excellent candidate for the open position so include specific examples of situations in which you applied your experience abilities and skills to benefit the organization it is also helpful to include data that supports your claims नेक्स्ट इट शुड बी रिटर्न ग्रामेटिकली करेक्ट टू प्रेजेंट अ गुड इंप्रेशन ऑन द इम्प्लॉयर इट शुड बी कंसाइज एज हायरिंग मैनेजर मे नॉट रीड अ लेंथी एंड मल्टीपल पेजेस लेटर जॉब एप्लीकेशन लेटर एक औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल बिजनेस लेटर की तरह लिखा जाना चाहिए इसमें सबसे ऊपर उम्मीदवार के कॉन्टेक्ट डिटेल्स शामिल होने चाहिए लेटर की शुरुआत में सैल्यूटेशन होना चाहिए और अंत में अपने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर इस लेटर में अपने आप को एक उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में व्यक्त करने के लिए अपने कौशल स्किल्स और क्षमताओं पर जोर दे उन स्थितियों को उदाहरण के रूप में शामिल करें जिनमें आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लाभ पहुंचाने के लिए अपने अनुभव योग्यता और कौशल को लागू किया था हायरिंग मैनेजर पे अच्छा प्रभाव डालने के लिए इसे एक्सप्लेनेटरी रूप से लिखें और सही जानकारी दें यह संक्षिप्त छोटा होना चाहिए एक लंबा और कई पेजों का पत्र कोई नहीं पढ़ सकता है देयर आर सम गाइडलाइंस फॉर जॉब एप्लीकेशन लेटर लेंथ इट शुड बी शॉर्ट सो दैट इट कैन बी रिटर्न ऑन अ सिंगल पेज

जॉब एप्लीकेशन लेटर छोटा होना चाहिए और एक ही पेज पर लिखा होना चाहिए लेटर लिखते समय सिंगल स्पेस होनी चाहिए लाइंस के बीच में पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस होनी चाहिए और पेज के दोनों साइड में एक इंच की मार्जिन होनी चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, एरियल या कैलिबरी फॉन्ट यूज कर सकते हैं और फॉन्ट का साइज 10 टू 12 पॉइंट्स होना चाहिए thank you एट द फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर द फर्स्ट थिंग दट कम्स इन द जॉब एप्लीकेशन लेटर इज द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ अटर ऑफ एप्लीकेशन शुड इंक्लूड योर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दिस इंफॉर्मेशन शुड बी रिटर्न एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टॉप ऑफ द पेज जॉब एप्लीकेशन लेटर के पहले पार्ट में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स शामिल करने चाहिए जानकारी पेज के टॉप में राइट हैंड साइड पर लिखी जानी चाहिए सेकेंड एलिमेंट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन लेटर इज डेट डेट इज रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर वन लाइन बिलो द एड्रेस डेट कैन बी रिटर्न इन द ब्रिटिश मैथड दैट इज ऑर्डिनल नंबर्स एग्जाम्पल ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रुअरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन और इन अमेरिकन मैथड दैट इज कार्डिनल नंबर्स एग्जाम्पल फेब्रुअरी ट्वेंटी वन मा ट्वेंटी ट्वेंटी वन ब्रिटिश मैथडेट फर्स्ट देन मंथ एंड अमेरिकन मैथड फर्स्ट डेट कागज के राइट हैंड साइड की तरफ लिखी जाती है एड्रेस के नीचे डेट को ब्रिटिश मेथड में लिखा जा सकता है या अमेरिकन मेथड में ब्रिटिश मेथड में डेट पहले होती है और मंथ बाद में और अमेरिकन मेथड में मंथ पहले होता है और डेट बाद में नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर इट शुड बी रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ़ द पेज टू स्पेसेस बिलो द डेट दिस पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर इज नोन एज द इनसाइड एड्रेस एम्प्लॉयर का नाम और पता पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है दो लाइन छोड़कर डेट के नीचे पत्र के इस भाग को अंदर के पते के रूप में जाना जाता है सैल्यूटेशन इज रिटन वन स्पेस बिलो द इनसाइड एड्रेस सैल्यूटेशन अंदर के पते के नीचे लिखा जाता है द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ लेटर सैल्यूटेशन एग्जाम्पल्स दैट आर एप्रोप्रिएट फॉर लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉरस्पॉन्डेंट्स डियर हायरिंग मैनेजर टू होम इट मे कंसर्न Dear Human Resource Manager, Dear Sir or Madam, Dear Mr., Mrs. and their last name. Next part of the letter is the body which has introductory paragraph. In the first paragraph of your letter, mention the job title for which you are applying and state whether you are writing the job application in response to an advertisement or at the suggestion of someone. ओपनिंग पैराग्राफ हाईलाइट द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग सो मेंशन योर इंटरेस्ट इन द रोल और द पोजिशन अपने पत्र के बॉडी के पहले पैराग्राफ में उस नौकरी का उल्लेख करें उस नौकरी के बारे में बताएं जिसके लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं और बताएं कि आप किसी एडवर्टीजमेंट के जवाब में या किसी के सुझाव पर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं शुरुआती पैराग्राफ में उस नौकरी के बारे में बताया जाए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपके इंटरेस्ट के बारे में आप नेक्स्ट पैराग्राफ में बात कर सकें नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज द बॉडी पैराग्राफ इन दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब एंड वाई यू कैन मेक एन एक्सेलेंट कैंडिडेट फॉर द पोजिशन मैंशन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस Do not simply restate your resume but provide specific examples. You can either write about these specific examples in complete sentences or in a bulleted format. It is better to use shorter paragraphs or a bulleted list of your qualifications rather than one large block of text. Briefly mention how your skills and experience match the company and your position. This part contains essential details of the applicant and thus care should be taken to draft this part of the letter. Body paragraph या इस पार्ट, लेटर के इस पार्ट में समझाएं कि आपको नौकरी में क्यों दिलचस्पी है और आप पद के लिए अच्छे उम्मीदवार क्यों बन सकते हैं अपनी विशिष्ट योग्यताएं, अपने स्किल्स अपने कौशल अपने अनुभव के बारे में बताएं। इस लेटर के पार्ट में अपने रेज्यूमो को इस पार्ट में ना प्रस्तुत करें बस सिर्फ अपनी स्किल्स के बारे में इस पार्ट में बात करें आप इन स्किल्स के उदाहरण दे सकते हैं एग्जाम्पल्स दे सकते हैं पर एग्जाम्पल्स पूरे पूरे सेंटेंसेस में नहीं दें बुलेट के रूप में एग्जाम्पल्स लिखें इस पूरे सेक्शन में अपनी कौशलता अपनी स्किल्स के बारे में एक ब्लॉक में लिखने के बजाय छोटे छोटे पैराग्राफ में और बुलेट की सूची का उपयोग करके अपनी कौशलता के बारे में संक्षेप में लिखें और इस भाग के को बहुत ही ध्यान से लिखना चाहिए सावधानी से लिखना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे पहले हायरिंग मैनेजर आपके इसी लेटर को ये, इस पार्ट को पढ़ेगा और आपके रेज्यूमे को बाद में आप इस पार्ट में लिख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नंबर वन पासिनेशन इन टू थाउजेंड नाइन विथ सेवेंटी परसेंट नंबर टू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन टू थाउजेंड ट्वेल्व विद अकाउंट एस स्पेशल सब्जेक्ट नंबर थ्री कंप्लीटेड एम बी ए इन टू थाउजेंड फोर्टीन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस Then you can mention your skills, good communication skills, proficient in Excel and data management, experience worked as an intern at Adani Company, India. Now let us look at the closing paragraph of the body. Conclude your letter of application by making a request to the employer for considering you for an interview and thank him here for considering you for the position. एम्प्लयर को एक इंटरव्यू के लिए अनुरोध करके अपने जॉब एप्लीकेशन लेटर को छोड़ दें और पोजीशन या फिर जॉब रोल के लिए विचार करने के लिए एम्प्लॉयर को यहां धन्यवाद दें कवर लेटर क्लोजिंग और जॉब एप्लीकेशन क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर एग्जाम्पल योर सिंसियरली सिंसियरली योर्स रिगार्ड योर्स ट्रूली रिस्पेक्टफुली योज फॉलो द क्लोजिंग विद कॉमा एंड देन साइन योर नेम बिटवीन द क्लोजिंग एंड योर टाइप्ड नेम कैटर को या जॉब एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए योर सिंसियरली या सिंसियरली योर्स या रिगार्ड योर्स ट्रूली रिस्पेक्टफुली योर्स लिखने के बाद कॉमा के साथ खत्म करें और फिर अपने टाइप किए गए नाम के बीच अपने नाम पर साइन करें the last thing that is written in the job application letter is the enclosure it appears at the very end of your cover letter and refers to any additional documents that you have attached to your job application यह आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर के बिल्कुल एंड में आता है और आपके द्वारा आपकी नौकरी की एप्लीकेशन में शामिल किए गए किसी भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है एनक्लोजर कुड बी रेज्यूमे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्कूल मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स। इफ यू विश टू एनक्लोज डॉक्यूमेंट्स यू कैन ईदर लिस्ट ऑल एनक्लोज डॉक्यूमेंट सेपरेटली और जस्ट राइट द वर्ड एनक्लोजर बिलो द सिग्नेचर यदि आप डॉक्यूमेंट्स को जॉब एप्लीकेशन के साथ भेजना चाहते हैं तो आप सभी एनक्लोज डॉक्यूमेंट्स को अलग से एक लिस्ट बनाकर लिख सकते हैं या सिग्नेचर के नीचे एनक्लोज शब्द लिखकर सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता सकते हैं दिस इज अ सैंपल ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज इज रिटन योर नेम योर एड्रेस सिटीज नेम फोन नंबर ईमेल

आपकी क्वालिफिकेशन कंसिडर करने के लिए कहा है देन इन द एंड यू राइट योर सिंसियरली योर सिग्नेचर एंड योर नेम दिस इज अनदर सैंपल फॉर द जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ अ लाइब्रेरियन इन दिस पार्ट आई हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट द बॉडी आप सब्जेक्ट लिखते हैं फिर उसके बाद डियर सर मैडम देन यू राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देन यू मैंशन योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड क्लोजिंग पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट करते हैं आपकी एप्लीकेशन कंसिडर हो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए और आप ये भी मैंशन कर रहे हैं कि आपने रिज्यूमे और मार्क्सिट इस लेटर के साथ अटैच करा है इसलिए लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखने के बाद यो सिंसियरली सिग्नेचर एंड नेम लिखने के बाद आप एनक्लोजर में लिखते हैं पहला एनक्लोजर है रेज्यूमे सेकेंड इज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स द थर्ड सैंपल लेटर इज जॉब एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ कॉमर्स टीचर हियर यू राइट दियर सर ओब्लिक मैडम दिस इज रिगार्डिंग योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग अ वैकेंसी फॉर अ कॉमर्स टीचर आई वुड बी ग्लैड टू अप्लाई फॉर द रोल Teaching has always been my passion, and I have always been great with students. I have been teaching commerce to the students of Prakash School for five years. My qualifications and experience match your requirements. Here, if you want, you can mention your qualifications and experience in the job application letter itself. I have attached my resume for your consideration and request you to consider my application for the role. If you find it suitable, please feel free to contact me at the above mentioned contact details. Thank you. Then on the right hand side of the paper you will write your sincerely, your signature, your name. चूंकि आपने लेटर में मेंशन करा है कि आपने रिज्यूमे और मार्कशीट्स भेज रहे हैं सो so एनक्लोजर में आपको लिखना पड़ेगा एस एस सी मार्क्शीट एंड सर्टिफिकेट एंड एनक्लोजर्स एंड रेज्यूमे फोर्थ सैंपल लेटर इज जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर हियर द सैल्यूटेशन इज डियर मिस्टर मिस और मिसेस देन यू कैन राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग द लेटर सेल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं मिस्टर सो एंड सो मिस पटेल मिसेज पटेल डिंग योर पोस्ट ऑन एनी पोर्टल आप पोर्टल मैंशन कर सकते हैं जिसमें से आपको इस पोस्ट के बारे में पता चला फिर आप अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं बॉडी में बुलेट्स में अपनी क्वालिफिकेशन अपने मार्क्स लिख सकते हैं लास्ट पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और आप ये भी कह सकते हैं कि प्लीज रेफर टू माई रेज्यूमे एंड कवर लेटर अटैच विदर फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसके बाद आप लिखिए योर सिंसियरली योर सिग्नेचर एंड नेम और मार्कशीट और रेज्यूमे और कवर लेटर के आपने इसके साथ अटैच करा है तो उसको मैंशन करें एनक्लोजर में थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज